देखना है नेहा शॉट के लिए तैयार, और नेहा ने शानदार गोल दाग दी है। देवघर एक, दुमका एक, अभी एक एक शॉट हो चुका। और इस तरह से इस ट्राइबर्कर का पहला, कौन से टीम इस साल के चैंपियन बनेंगे? एक तरफ बरहेट साहबगंज से आई हुई टीम एसके रपाट बरहेट साहबगंज, और दूसरे तरफ एफसी जवाहर स्टार की टीम मैदान के अंदर आ गई है। और 3 लाख और 3.5 लाख के बीच का खिताबी भिड़ंत होगा फाइनल में लड़कों का। और इस तरह से ये मिस शॉट किया है, और इस तरह से दुमका का, अभी देवघर की तरफ से सेकंड शॉट के लिए शॉट लगा, लेकिन देवघर का भी शॉट मिस हो गया। दुमका की तरफ से यहां पर तीसरा शॉट गोल में कन्वर्ट हो गया, और दुमका 3 में से 2 गोल हो चुका है। और इस समय दुमका टीम को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे होंगे कि यहां पर इस साल का चैंपियन दुमका की टीम बने, लेकिन क्या कमाल दिखाएगी ये जर्सी नंबर 8 संगीता हस्ता शॉट के लिए आई है। और शानदार यहां पर फिनिश, दुमका की टीम ने 4 में से 3 गोल कर चुकी है, और देवघर की टीम किस तरह से शॉट लगाएगी। सुनिया रॉयल चौथे स्थान पर शॉट के लिए आई है। और आखिरकार सुनिया ने गोल दाग दी है, और इस तरह से देवघर 4 खिलाड़ी में से 2 खिलाड़ी गोल दागा है, 2 का मिस हुआ है, और ये दुमका की टीम के लिए चैंपियन बनने का एक सुनहरा चांस है। अगर यहाँ पर गोल कर देती है दुमका जिला के टीम के खिलाड़ी, तो यहाँ पर इस वर्ष के चैंपियन बन जाएंगे दुमका की टीम गर्ल्स फुटबॉल मैच का ये फाइनल। जर्सी नंबर 7 अखंड ज्योति आरुषि फुटबॉल क्लब देवघर के कैप्टन। और इस तरह से शॉट तो लगाया मगर गोलकीपर मंजुला ने अच्छा सेव किया है, और इस तरह से दुमका की टीम इस मुकाबले पर थोड़ा सा लीड पर है। शानदार चालाबन बछोर रहे का जतो के टॉप प्लेयर चुनल दा मंजुला, और नई चिल करा शॉट लगावा, नई ये गोल खाएगी 30,000 को पड़ावा पहिल प्राइज। शानदार गोल, और इसी के साथ दुमका की टीम ने बाजी मार ली है इस मैदान पर, और इस तरह से एनवाईसी आलूबेड़ा के मैदान पे गर्ल्स टीम के चैंपियन बन गई है दुमका की टीम और देवघर की टीम।